ओम ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशधारिणे वञ्चकल्पतरूभिश्च कृपासन्धूभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 22 चर्चा कर रहे थे, तो तात्पर्य का थोड़ा एक सेक्शन बाकी था। तो ये श्लोक इस प्रकार है, यदि प्रयाशन नृप पारमेष्ट्यम वैयासानम उत यद विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियश्च। ट्रांसलेशन, हाउवर ओ किंग, तस्मादूर अंतरम उन्नयेत निरुद्ध सप्ता यतनो नपेक्ष स्थित्वा मुहूर्तार्धम अकुंठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धम विसृजे परम गत। ट्रांसलेशन, देयर आफ्टर द भक्ति योगी शुड पुश द लाइफ एयर अप बिटवीन द आईब्रोज and then blocking the seven outlets of the life air, he should maintain his aim for going back home, back to Godhead. If he is completely free from all desires for material enjoyment, he should then reach the cerebral hole, give up his material connections, having gone to the Supreme. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जो भक्ति योगी है उसको अपना प्राण अलग अलग चक्रों के माध्यम से उठा के भ्रुवोर मध्य, हमारे भ्रुवों के मध्य स्थल तक लेके जाना है, और उसका जो लक्ष्य है सिर्फ भगवत धाम जाने के लिए होना चाहिए। और उसको अपनी जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको मिटा के ब्रह्मरंध्र से भगवत धाम की ओर जा सकता है। तो हमने ये तात्पर्य का आधा सेक्शन पढ़ा था। तो प्रभुपाद मेजरली बता रहे हैं कि कैसे भगवत धाम जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना, कंडीशन है। जैसे कॉलेज का एग्ज़ाम पास होने के लिए एक कंडीशन रहता है, 35% मार्क्स या 60% मार्क्स चाहिए। तो वैसे ही भगवत धाम जाने के लिए भौतिक इच्छा शून्य होना चाहिए, नो मोर मटीरियल डिज़ायर्स। पर यह कैसे संभव है? ये संभव है जब हमको आध्यात्मिक इच्छा मिलेगी। इच्छाओं को आप मिटा नहीं सकते, इसलिए हमको इच्छा परिवर्तन करना है, इच्छा का, इच्छा को चेंज करना है। जब हम ऊंचा रस पाएंगे, परम दृष्टवा निवर्तते, प्रभुपाद ये गीता का श्लोक कोट करते हैं 2.59, कि जब हम ऊंचा रस पाएंगे ऑटोमेटिकली हमारा जो भोग करने का जो वृत्ति है, जो रस है, वो छूट जाएगा। द प्रोपेगेंडा बाई अ सर्टन क्लास ऑफ इम्पर्सनलिस्ट दैट स्पिरिचुअल लाइफ इज वॉइड ऑफ ऑल वेराइटीज इज डेंजरस प्रोपेगेंडा टू मिसलीड द लिविंग बींग्स इन टू बिकमिंग मोर एंड मोर अटैच टू मटीरियल एंजॉयमेंट्स। जो मायावादी हैं
वो बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब वहाँ पे कुछ वैरायटी नहीं होता, नहीं, क्योंकि हम भौतिक दुनिया में अलग अलग वैरायटी देखते हैं, हमको लगता है कि आध्यात्मिक जगत में सब एक ही मिल जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग वैरायटी नहीं होगा। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ये बहुत डेंजरस फिलॉसफी है, क्योंकि इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने का प्रेरणा ही नहीं मिलता। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग वैराग्य कैसे प्रैक्टिस करते हैं, जो राइस है, दाल है, एक ही कटोरी में राइस, दाल, स्वीट सब कुछ मिश्रण करके खा लेते हैं। उनका अर्थ है आध्यात्मिक जीवन मतलब जितने भी रस हैं उससे मुझे बाहर निकलना है। पर हमारा भक्ति का तरीका क्या है कि आपको अलग अलग पदार्थ खाने का इच्छा है, गुलाब जामुन ये है जो भी है, आप भगवान को अर्पित करो और भगवान का जो प्रसाद है प्रसाद के रूप में उसका स्वीकार करो, तो उससे आपकी भक्ति में प्रगति होगा। As such, persons with poor fund of knowledge cannot have any conception of Param, the Supreme. They try to stick to the varieties of material enjoyments, although they may flatter themselves as being Brahman realized souls. तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक मार्ग में अपने आप को कहलाते हैं, क्योंकि उनको भगवान के बारे में, ये परम ब्रह्म के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी बताते हैं, अहम ब्रह्मास्मि का जप करते रहते हैं, पर उनको एक्चुअली तत्वतः भगवान के बारे में पता नहीं है। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान के जन्म और कार्य को तत्वतः समझना इम्पॉर्टेंट है। जो ये समझेगा वो एक्चुअली ऊंचा रस प्राप्त करेगा और भौतिक रस को छोड़ पाएगा। तो प्रभुपाद गीता में दो व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं, दोनों के जिंदगी में ऑलमोस्ट वही टेस्ट आता है, पर दोनों का जो रिएक्शन है वो सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है अलग अलग है। एक तरफ आता है विश्वामित्र, विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे आध्यात्मिक मार्ग पे थे, पर क्योंकि उनको भक्ति का रस नहीं मिला था, तब मेनका जब आई विश्वामित्र का मन विचलित हो गया और उनके योग मार्ग से वो भ्रष्ट हो गए। पर प्रभुपाद गीता में हरिदास ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि हरिदास ठाकुर को भी एक वैश्या आई उनको प्रलोभन करने के लिए, पर क्योंकि हरिदास भक्ति का मार्ग का पालन कर रहे थे और क्योंकि उनको ऊंचा रस मिल रहा था भगवान के नाम में, इसलिए वो वैश्या को ना कर पाए। तो टेस्ट वही है, पर भक्त पास होता है क्योंकि उसको एक ऊंचा रस का स्वाद मिलता है। Such less intelligent persons cannot have any conception of the Param as mentioned in this verse and therefore they cannot reach the Supreme. तो ऐसे जो कम बुद्धिमान लोग हैं जिनको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है वो भगवत धाम नहीं पहुंच सकते। तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में भी बताया है कि जो लोग भक्ति का मार्ग का पालन करते हैं सिर्फ वो लोग भगवत धाम जा सकते हैं, बाकी जो कर्म ज्ञान अष्टांग योग का मार्ग का पालन कर रहे हैं मैक्सिमम वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं, भगवान का सानिध्य उनको मिलेगा नहीं। द डिवोटीज हैव फुल नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड हिज ट्रांसेंडेंटल एसोसिएशन इन द अनलिमिटेड स्पिरिचुअल प्लैनेट्स कॉल्ड वैकुंठ लोकस। तो भक्त जो हैं उनको पूरा ज्ञान है, तत्वतः ज्ञान है आध्यात्मिक जगत के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में, पार्षदों के बारे में पूरा ज्ञान है। तो प्रभुपाद बताते थे हमको पता है हु इज गॉड, भगवान कौन है। बहुत सारे धर्मों में वर्णन आता है कि भगवान महान है, भगवान का नाम का वर्णन नहीं आता। हमको भगवान के नाम का वर्णन पता है, भगवान कौन है पता है, हमको भगवान के माता पिता का नाम पता है, भगवान के जो पार्षद हैं उनका नाम पता है, भगवान के धाम के बारे में पता है, भगवान के धाम में क्या क्या होता है वो सब का ज्ञान है।
इसलिए भक्त बाकी योगियों में से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। हियरिन अकुंठ दृष्टि इज मेंशन, तो यहां पे एक शब्द का वर्णन आ रहा है अकुंठ दृष्टि। अकुंठ और वैकुंठ कन्वे द सेम इंपोर्ट, एंड ओनली वन हु हैज हिज एम फिक्स्ड अपॉन दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द पर्सनल एसोसिएशन विद द गॉडहेड कैन गिव अप हिज मटीरियल कनेक्शंस वाइल लिविंग इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो बहुत सुंदर है अकुंठ दृष्टि। अकुंठ का मतलब है वैकुंठ, ये दुनिया को कुंठ बोलते हैं क्योंकि हमेशा कष्ट है दुनिया में, पीड़ा है, पर वैकुंठ को अकुंठ बोलते हैं क्योंकि वहां पे पीड़ा नहीं है। तो इसलिए किसी को ये भौतिक दुनिया से छुटना है और भगवत धाम जाना है तो उसका जो दृष्टि है फोकस अकुंठ दृष्टि, सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य होता है, मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करना है। जैसे हम जानते हैं द्रोणाचार्य अपने कौरवों को और पांडवों को जब सिखा रहे हैं धनुर्विद्या, वो फोकस सिखाते हैं, तो वो एक पंक्षी रखते हैं और सबको बोलते हैं ये पंक्षी के आंख में आप लोगों को बाण छोड़ना है, तीर निशाना लगाना है। तो हर एक व्यक्ति आता है सामने, पर हर एक व्यक्ति बोलता है मैं पंक्षी का आंख देखता हूँ, पंक्षी भी देख रहा हूँ, डाली भी देख रहा हूँ, बादल भी देख रहा हूँ। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं नहीं। अर्जुन आते हैं और द्रोणाचार्य अर्जुन को पूछते हैं आप क्या देख रहे हो, अर्जुन बोलते हैं मुझे सिर्फ पंक्षी का आंख दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि फोकस है। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं चलाओ और निश्चित रूप से बाण लग जाता है। तो वैसे ही हमारा बाण, तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि हम सब का लक्ष्य है ये परम स्थान वैकुंठ, राधा कृष्ण का चरण कमल, और हम सब ये बाण की तरह है, और बाण को चलाने के लिए एक धनुष चाहिए, वो धनुष है भक्ति का मार्ग, हरि नाम ये धनुष की तरह है। पर हमारे पास भक्ति का मार्ग भी है पर हमारा फोकस नहीं है, वो गोल पे फोकस नहीं है, वो गोल को मिस कर जाएंगे। तो वैसे ही आचार्यों ने हमको ये धनुष दिया है पर फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस छूट ना जाए। जैसे हमारे सुदामा प्रभु बोलते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी, तो नजर हट गया भगवत धाम से कहीं और पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यहां पे वर्णन आ रहा है अकुंठ दृष्टि, हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, वन पॉइंटेड अटेंशन, देवसायत्मिका बुद्धि एके गुरु नंदना। तो कृष्ण बताते हैं वन पॉइंटेड अटेंशन, सब भक्तों का एक ही लक्ष्य है मुझे भगवत धाम जाना है। दिस परम एंड द परम धाम मेंशन्ड इन सेवरल प्लेसेस इन द गीता आर वन एंड द सेम थिंग। तो यहां पे परम का वर्णन आ रहा है और गीता में परम धाम का वर्णन आता है, तो दोनों एक ही चीज है। वन हु गोज टू द परम धाम डज नॉट रिटर्न टू द मटीरियल वर्ल्ड, यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो भगवान बोलते हैं जो मेरे धाम आता है परम धाम, उसको ये भौतिक दुनिया माया के धाम में आने की जरूरत नहीं है। दिस फ्रीडम इज नॉट पॉसिबल इवन बाय रीचिंग द टॉप मोस्ट लोक ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। ये जो सुविधा है स्वतंत्रता का, ये जो स्वतंत्रता का जो रत्न है सिर्फ भगवत धाम जाके मिलता है। कोई ब्रह्मलोक तक भी जाएगा वहां पे भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, वापस उसको जन्म लेना पड़ेगा। द लाइफ एयर पासेस थ्रू सेवन ओपनिंग्स, नेमली टू आईज टू नॉस्ट्रिल्स टू ईयर्स एंड वन माउथ। तो वर्णन आता है कि ये जो प्राण वायु है सात अलग अलग छेदों में प्रवेश करता है, बहता रहता है, दो आंखें दो छेद हैं, दो नाक नॉस्ट्रिल्स, दो कान और एक मुंह। जनरली इट पासेस थ्रू द माउथ एट द टाइम ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन्स डेथ। तो साधारण रूप से व्यक्ति जब मरता है जनरली मुंह खोल के मरता है, तो जनरली आत्मा एक न एक छेद से निकलेगा बाहर, तो साधारण तरह से मुंह से निकलता है आत्मा। बट द योगी एज अबव मेंशनड हु कंट्रोल्स द लाइफ एयर इन हिज ओन वे जनरली रिलीजेस द लाइफ एयर
by puncturing the cerebral hole in the head. पर जो योगी है वो मुंह से अपना प्राण त्यागता नहीं है आत्मा को. ब्रह्म रंध्र, हमारे सर के ऊपर एक रंध्र है, एक छेद है, वो छेद को तोड़ के निकलता है. द योगी देयरफॉर ब्लॉक्स अप ऑल द अबव मेंशन्ड सेवन ओपनिंग्स सो दैट द लाइफ एयर विल नेचुरली बर्स्ट फोर्थ थ्रू द सेरेब्रल होल. तो तरीका क्या है, ये अलग योग का मार्ग है. वो क्या करते हैं, ये जो योगी हैं, बाकी जो सात छेद हैं चेहरे पे, वो सात छेद को बंद कर देते हैं. तो प्राण किसी ना किसी छेद से निकलना है, तो इसलिए ये सर के ऊपर जो ब्रह्म रंध्र है उसको तोड़ के आत्मा निकल जाता है. दिस इज द श्योर साइन ऑफ अ ग्रेट डिवोटी इज लिविंग द मटीरियल कनेक्शन. तो ये तरीका है, इस तरह से योगी ने अपना शरीर त्यागा, मतलब सफल हो गया उसका जिंदगी. टेक्स्ट 22. यदि प्रयासन नृप पारमेष्ट्यम वैयायसानम उत यत् विहारम अष्टाधिपत्यम गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च. Translation. However, O King, if a yogi maintains a desire for improved material enjoyments, like transference to the topmost planet Brahma Loka, or the achievement of the eightfold perfections, travel in outer space with the Vihayasas, or a situation in one of the millions of planets, then he has to take away with him the materially molded mind and senses. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, पर परीक्षित महाराज, अगर कोई योगी अभी भी शरीर ऐसे त्यागने के बाद उसका भौतिक इच्छा मिटानी है, उसको इच्छा है कि उसको ब्रह्मलोक में जाना है या अलग अलग सिद्धियाँ प्राप्त करना है, अष्ट सिद्धि होते हैं वो प्राप्त करना है, या जो अनगिनत सैकड़ों लोक हैं उसमें प्रवेश करना है, तो ऐसे योगी को अपना भौतिक मन और इंद्रिया साथ में लेके जाता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको छोड़ता नहीं है. पर योगी, जैसे पिछले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताया, पर योगी ने भौतिक इच्छा सब छोड़ दिया है, तब वो आत्मा भौतिक मन और बुद्धि को छोड़ के, अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ के सीधा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है. परपुट, इन द अपर स्टेटस ऑफ द प्लैनेटरी सिस्टम्स देर आर फैसिलिटीज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ग्रेटर फॉर मटीरियल एन्जॉयमेंट्स देन इन द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स. तो ऊंचे लोकों में ये भौतिक, ये जो भूमंडल या नीचे के लोकों से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, जो सुख सुविधा का जो सामग्री है, भोग करने का जो सामग्री है वो बहुत ज़्यादा है. हाँ, जैसे रेस्टोरेंट्स में भी अलग अलग कैटेगरी होता है ना, वन स्टार होटल, टू स्टार होटल, फाइव स्टार होटल, तो वैसे ही जो ऊंचे लोग हैं वो फाइव स्टार होटल के जैसे हैं, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है. द टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्लैनेट्स लाइक ब्रह्म लोक एंड ध्रुव लोक, द पोल स्टार, एंड ऑल ऑफ देम आर सिचुएटेड बियॉन्ड महर लोक. तो अलग अलग लोक हैं, ये भूलोक हैं, भूलोक के ऊपर है भुवर लोक, महर लोक, तपल लोक, जन लोक, सत्य लोक. तो जो ब्रह्म लोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और जो ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा, वो महर लोक के आगे है. द इनहैबिटेंट्स ऑफ दोस प्लैनेट्स आर एम्पावर्ड विथ एट फोल्ड अचीवमेंट्स ऑफ मिस्टिक परफेक्शन. तो वर्णन आता है, जो ऊंचे लोकों में रहते हैं स्पेशली महर लोक और से आगे, इन लोगों को अष्ट सिद्धि होता है, आठ तरह के सिद्धियां शक्ति होती है. दे डू नॉट हैव टू लर्न एंड प्रैक्टिस द प्रोसेस ऑफ योग परफेक्शन एंड अचीव द पावर ऑफ बिकमिंग स्मॉलर लाइक अ पार्टिकल अनिमा सिद्धि और लाइटर देन अ सॉफ्ट पेदर लगीमा सिद्धि. तो ऐसा अलग अलग सिद्धि है, अनिमा सिद्धि है, छोटे से छोटा बन सकता है, या लगीमा सिद्धि, जो हल्का एक फेदर है, जो पंख है उससे भी हल्का योगी बन सकता है. तो ऐसे अलग अलग आठ सिद्धियां हैं.
पर जो ऊंचे लोक में जाते हैं उनको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है ये सिद्धियां प्राप्त करने का, वहां पे जन्म लेने से ही ये सिद्धियां ऑटोमेटिकली आ जाता है। दे डू नॉट हैव टू गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर। प्राप्ति सिद्धि टू बिकम हैवियर देन द हैवीएस्ट, महिमा सिद्धि, और टू ऐड फ्रीली टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल, और टू क्रिएट एनीथिंग एट विल, इशित्वा सिद्धि, और टू कंट्रोल द मटीरियल एलिमेंट्स, वशित्वा सिद्धि, और टू पोजेस पावर एज विल नेवर बी फ्रस्ट्रेटेड बाई एनी डिजायर, प्राकम्य सिद्धि, और टू अज्यूम एनी शेप और फॉर्म वन में इवन विम्सिकली डिजायर, काम या वशित्वा सिद्धि। तो ये आठ सिद्धि का नाम दे रहे हैं प्रभुपाद। तो पहला सिद्धि हमने देखा अनिमा सिद्धि, अनिमा सिद्धि मतलब छोटे से छोटा बनना, स्मॉलर देन अ स्मॉलेस्ट। दूसरा है लगीमा सिद्धि, बहुत हल्का बनना। तीसरा है प्राप्ति सिद्धि, आप कहीं पे भी आपको कुछ प्राप्त करना है योगी प्राप्त करा सकता है उसको, उसको बोलते हैं प्राप्ति सिद्धि। महिमा सिद्धि, बहुत भारी बन सकता है, बिकम वेरी हेवियर, जैसे कृष्ण जब तृणामृत लेके जाता है कृष्ण को, तो कृष्ण बहुत भारी बन जाते हैं, इसको महिमा सिद्धि बोलते हैं। दूसरा है एक दो तीन चार, चार सिद्धि हो गया। नेक्स्ट है इशित्वा सिद्धि, इशित्वा सिद्धि का मतलब है इच्छा के अनुसार कुछ भी बना सकते हैं। जैसे भागवत में वर्णन आता है कर्दम्ब मुनि अपने पत्नी के लिए एक महल बनाते हैं, एक लोक बनाते हैं जो हवा में उड़ रहा है, हाँ ये योगी कर सकता है। हालांकि कर्दम्ब मुनि एक कुटिया में रहते थे, पर उनके पास एक ऐसा सिद्धि था, उन्होंने एक लोक बनाया जो हवा में घूमता रहता है, तो इस तरह से देवहूति के साथ उन्होंने संग किया, तो इसको बोलते हैं इशित्वा सिद्धि। और दूसरा है वशित्वा सिद्धि, टू कंट्रोल ऑल मटीरियल एलिमेंट्स, जो भौतिक पदार्थों का को वश में करना, उसको वशित्वा सिद्धि बोलते हैं। और प्राकम्य सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि का मतलब है उसका जो भी इच्छा है वो पूरा हो जाता है, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता। और फाइनली काम या वशिष्ठा सिद्धि का मतलब है वो कुछ भी रूप धारण कर सकता है। रावण के पास ये सिद्धि था, वो अलग अलग रूप में आता था, तो इसलिए जब हनुमान जी जाते हैं सीता के पास, सीता पहले डर जाती है क्योंकि सीता को लगता है कि रावण है हनुमान जी के वेश में। तो योगियों के पास ये सब सिद्धियां होती है, पर यहाँ पे वर्णन आता है जो ऊंचे लोगों में जन्म लेते हैं उनको ये सब सिद्धियां प्राप्त करने की अलग सा जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ऑल दीज एक्सपीडियंसिस आर एज कॉमन एज नेचुरल गिफ्ट्स फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ दोज हायर प्लैनेट्स। तो ये जो लोकों में जाते हैं ये योगी और जिनका जन्म ये लोकों में होता है, उनके लिए ये सब सिद्धियां स्वाभाविक रूप से मिल जाता है, नेचुरली इनके पास ये सब सिद्धियां हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मैकेनिकल हेल्प टू ट्रैवल इन आउटर स्पेस, एंड दे कैन मूव एंड ट्रैवल एट विल फ्रॉम वन प्लैनेट टू एनी अदर प्लैनेट विद इन नो टाइम। इमेजिन करो ये सब सिद्धियां रहेगा तो कितना अच्छा रहेगा। पर भक्तों का ये सब इच्छा होता नहीं है, भक्तों का इच्छा है, हालांकि भगवान भक्तों के सब सिद्धियां दे सकते हैं, पर भक्तों को ये सब सिद्धि की जरूरत नहीं है, भक्त भगवान की सेवा में ही खुश हैं। तो इसलिए वर्णन आ रहा है ये सब जो लोकों में रहते हैं लोग अपने इच्छा अनुसार एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं, उनको एक व्हीकल की जरूरत नहीं है, उन्होंने इच्छा कर दिया पहुंच जाएंगे। द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ कैन नॉट मूव इवन टू द नियरेस्ट प्लैनेट एक्सेप्ट बाय मैकेनिकल व्हीकल्स लाइक स्पेस क्राफ्ट, बाई द हाईली टैलेंटेड इनहैबिटेंट्स ऑफ सच हायर प्लैनेट्स कैन डू एवरीथिंग वेरी ईजिली। तो ये भौतिक ये धरती में जिनका जन्म हुआ है उनको एक लोक से दूसरा लोक जाना है तो एक स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत है, एक रॉकेट की ज़रूरत है, पर जो ऊंचे लोक के निवासी है वो अनायास एक लोक से दूसरे लोक जा सकते हैं। सिंस अ मटीरियलिस्ट इज जनरली इंक्विजिटिव टू एक्सपीरियंस वॉट इज एक्चुअली इन सच प्लैनेटरी सिस्टम्स, ही वॉन्ट्स टू सी एवरीथिंग पर्सनली। तो क्योंकि हम सबके अंदर एक जिज्ञासा रहता है, अलग अलग जगह जानना चाहते हैं, इसलिए ये दुनिया के लोगों का एक जिज्ञासा है,
चंद्र में क्या है वो जाके देखना चाहते हैं, हाँ, अलग अलग लोकों में. एंड इनक्विजिटिव persons टूर ऑल ओवर द वर्ल्ड टू गेन डायरेक्ट लोकल एक्सपीरियंस. द लेस इंटेलिजेंट ट्रांसेंडेंटलिस्ट सिमिलरली desires टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ those planets अबाउट विच ही हैज heard सो मेनी wonderful थिंग्स. जैसे ये दुनिया में भी हम सबके अंदर ये जिज्ञासा रहता है या इच्छा रहता है, मुझे भ्रमण करना है, अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग स्थान देखना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, चाइना जाना है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, देखने का इच्छा होता है. पेरिस में जाके आईफिल टावर, इजिप्ट में पिरामिड्स, ये सब देखने का इच्छा होता है. वैसे ही जो कम श्रेणी के आध्यात्मिक लोग हैं उनको भी इच्छा होता है, मुझे स्वर्ग लोक में जाके देखना है कैसा रहता है स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक में जाके देखना है. तो ये सब लोग, ये जो योगी हैं, अलग अलग लोकों में जन्म लेते हैं. द योगी कैन हाउएवर ईजिली फुलफिल हिज डिजायर बाई गोइंग देयर विद द प्रेजेंट मटेरियलिस्टिक माइंड एंड सेंसेस. तो ऐसे जो योगी हैं उनकी इच्छा के अनुसार भगवान उनको अलग अलग लोकों में लेके जा सकते हैं. द प्राइम इंक्लिनेशन ऑफ द मटेरियलिस्टिक माइंड इज टू लॉर्ड इट ओवर द मटीरियल वर्ल्ड एंड ऑल द सिद्धीज मेंशन्ड अबव आर फीचर्स ऑफ डोमिनेशन ओवर द वर्ल्ड. तो योगी, इनके पास ये सब सिद्धि मिलता है, पर ये सब सिद्धि किसके लिए उपयोग करते हैं, भोग करने के लिए, है कि नहीं. कुछ क्रिएट करेंगे, किसके लिए क्रिएट करेंगे, अपने भोग के लिए क्रिएट करते हैं. तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर नॉट एम्बिशियस टू डोमिनेट अ फॉल्स एंड टेम्पररी फिनोमेना. इसलिए हालांकि भगवान अपने भक्तों को ये सब सिद्धियां दे सकते हैं, और भगवान पूछते हैं आपको चाहिए क्या, भक्त बोलते हैं नहीं चाहिए, ये सब सिद्धि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जितना ये सब शक्ति रहेगा उतना हमारा मद होगा, उतना अहंकार आएगा, और हम भगवान के दास नहीं बन सकेंगे. तो भागवत में एक कहानी है दुर्वासा मुनि का और अम्बरीश महाराज का. दुर्वासा मुनि के पास ये सब सिद्धियाँ थी, हाँ, वो अलग अलग लोकों में प्रवेश कर सकते थे, जो चाहिए बना सकते थे. पर जब दुर्वासा मुनि ने ये राक्षस बनाया अम्बरीश को मारने के लिए, भगवान अम्बरीश ने, हालांकि उनके पास सब शक्तियाँ थी, अम्बरीश ने कुछ किया नहीं अपना रक्षा करने के लिए. कृष्ण ने सुदर्शन को भेजा, राक्षस को मार दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए. और दुर्वासा मुनि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए, कोई दुर्वासा को बचा नहीं सका. फाइनली दुर्वासा आके अम्बरीश के पैर पर गिरते हैं. तो इससे क्लियर साबित होता है भक्त का जो स्तर है योगियों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, फार सुपीरियर टू योगीज. इसलिए भक्तों का ये सब इच्छा नहीं है. भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत. जो भुक्ति है, भोग करने का वृत्ति है जिनको, मुक्ति है, जो मुक्ति पाने का इच्छा है, या सिद्धि, जो अलग अलग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सकले अशांत, वो सब लोग त्रस्त हैं, कोई शांत नहीं है. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, सिर्फ कृष्ण भक्त शांत है क्योंकि उनको भौतिक इच्छा बिल्कुल नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी A devotee wants to be dominated by the supreme predominator, the Lord. भक्त का इच्छा ये दुनिया में का स्वामी बनना नहीं, पर जो ये दुनिया के सही स्वामी हैं, कृष्ण हैं, उनका दास बनना. A desire to serve the Lord, the supreme predominator, is spiritual or transcendental, and one has to attain this purification of the mind and senses to get admission into the spiritual kingdom. तो योगियों का जो अलग अलग सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा है, ये भौतिक दुनिया में ही रहेंगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, पर ब्रह्मलोक के आगे वैकुंठ लोक में जाना है तो ये सब इच्छा छोड़ना पड़ेगा. भोग करने का, सिद्धि प्राप्त करने का, मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा छोड़ना है और एक ही इच्छा रखना है. गोपी भरतुर पद कमलयोर दास 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 अनुदास, भगवान के दास बनने का इच्छा. With the materialistic mind, one can at best reach the best planet in the universe, but no one can enter into the kingdom of God. तो ये भौतिक मन और इच्छाओं के साथ सबसे ज्यादा ये
ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा लोक ब्रह्मलोक तक पहुंच सकता है व्यक्ति, पर भगवत धाम में प्रवेश नहीं मिलेगा। सेंसेस आर कॉल्ड स्पिरिचुअली प्यूरिफाइड व्हेन दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रियों को और मन को शुद्ध कब बोला जाता है? जब इंद्रिय और मन इंद्रिय भोग में नहीं लगते। सेंसेस रिक्वायर एंगेजमेंट्स एंड व्हेन द सेंसेस आर एंगेज टोटली इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, दे हैव नो चांस टू बिकम कंटेमिनेटेड बाई मटीरियल इन्फेक्शंस। तो जो हमारे इंद्रिय हैं और मन है, उनको एंगेजमेंट चाहिए, किसी न किसी कार्य में लगना है, उनको युक्त तो होना है। इसलिए जब हम भगवान की भक्तिमय सेवा में हमारे मन और इंद्रियों को लगाएंगे, तब हम भौतिक दुनिया का जो कलमश है, माया का जो प्रभाव है, उससे हम बच के रह सकते हैं। तो इस तरह से शुकदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो योगी उनका अकुंट दृष्टि, वैकुंठ प्राप्त करने का एक इच्छा नहीं है, तो ऐसे योगी अलग अलग लोकों में जन्म लेते हैं। तो हम टेक्स्ट 23 कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।